नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी के सतारन गांव में हत्या से मचा कोहराम। तहसील बिलारी के सतारन गांव में उस समय कोहराम मच गया जब लोगों ने गांव के व्यक्ति को मृत अवस्था में देखा। आपको बता दें कि महेश पुत्र हरीश चंद आयु करीब 45 वर्ष रात खेतों में पानी लगाने के लिए घर से ट्यूबवेल पर आया था और घर वालों से यह कहकर घर से निकला था कि रात को ट्यूबवेल से पानी चलाकर खेतों में पानी दूंगा, सुबह ही आ जाऊंगा। लेकिन सुबह होने के बाद भी जब महेश घर नहीं पहुंचा, वह आसपास के लोगों ने मृतक को पड़े हुए देखा तो शोर मचा दिया, जिसमें पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। जब मृतक को देखा तो उसकी गर्दन पर वार किए गए थे और सर पर भी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर तत्काल बिलारी पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता, कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह पहुंचे और वहां लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और जानकारी प्राप्त कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शक के आधार पर कुछ को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है तो गाँव के लोग भी इस घटना से दहशत में नजर आए, क्योंकि गांव में अधिकतर किसान रात को ही खेतों में पानी लगाते हैं व सिंचाई करते हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं लोगों में डर व दहशत पैदा करेगी। क्या नाम है आपका? अजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? आज क्या घटना हुई है? सर, मेरे पिताजी ने 12 सो रहे थे और सुबह में आया ना तो उन्होंने धारदार से हत्या से हत्या कर दी किसी ने। तो किस समय कब आके हुए? रात से पता नहीं कितने बजे तक आई। आपने कब देखा? सुबह देखा। अच्छा, आपको क्या लगता है वजह क्या रही होगी इसकी? सर, रंजिश है पुरानी, अब जो पुलिस जाँच कर रही है। सर, आपको किसी पर कोई शक? सर, जांच पड़ताल में जो भी आवाज दी। व्यक्ति है महेश कश्यप, अपने खेत पे ट्यूबवेल से पानी देने के लिए रात को सोया था। जी सर, जो जानकारी हुई। और इस पे किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला किया है गर्दन पे और सिर पे। जी सर, तहरीर ले ली गई है, अभी मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई। सर, कोई नामजदगी भी है? ये शक जाहिर कर रहे हैं कुछ। अच्छा। गाँव के लोगों पर। अच्छा। उनको हमने एक दो को तो थाने में बैठा लिया, अभी पूछताछ करेंगे, बाकी एक दो को पकड़ने का प्रयास किया जाए। ठीक सर, ओके सर।